दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनएन स्पोर्ट पे और आज हम आपके लिए लाए हैं खास जानकारी आईपीएल के बारे में। दोस्तों आईपीएल में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कोई जानता नहीं था या कुछ तो आईपीएल खेले भी नहीं थे, लेकिन अब उन पे हैं सभी आईपीएल टीमों की निगाहें। ऐसे खिलाड़ी हैं कुछ जिनके ऊपर इस बार करोड़ों की बोली लग सकती है। दोस्तों जैसा कि हम कई बार आपको बता भी चुके हैं, आईपीएल के मेगा ऑक्शन फरवरी में होने वाले हैं। 12 और 13 फरवरी को प्रिडिक्टेड डेट है, बस बीसीसीआई का ऐलान होना बाकी है, वरना ये मान के चलिए कि 12 और 13 फरवरी को मेगा ऑक्शन हो जाएंगे। सभी टीमें अपनी रणनीति बनाने में लगी हैं, करोड़ों रुपए की बोली लगाने के लिए सभी टीमें तैयार हैं। कई बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर पता है कि ऊंची ऊंची बोलियां लगने वाली हैं, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने अपने बल्ले से, अपनी गेंदों से, अपने खेल से ये साबित किया है कि हम किसी से कम नहीं। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों की बात करते हैं, ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों के बारे में हम आपको बताते हैं जिनके ऊपर आईपीएल टीमों की स्पेशल निगाहें इस बार रहेंगी। इस बार चाहे पंजाब हो, चाहे कोलकाता नाइट राइडर, चाहे सनराइजर्स हैदराबाद, चाहे दिल्ली कैपिटल्स, चाहे राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, चाहे नई नवेली, लखनऊ और अहमदाबाद की टीमें, सभी की निगाहों में इन खिलाड़ियों का नाम बस चुका है। दोस्तों ये खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। ऐसा प्रदर्शन किया जिससे न केवल उनकी टीमें बहुत आगे तक गईं, बल्कि वो खिलाड़ी सभी की नज़र में आ गए। इस लिस्ट में पहला नाम आता है दोस्तों ऋषि धवन का। हिमाचल प्रदेश के इस खिलाड़ी ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है। हिमाचल प्रदेश ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, जिसमें इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। धवन ने 8 मैचों में 17 विकेट लिए। यही नहीं, धवन इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे। इसके अलावा अपनी टीम के लिए सबसे बड़े स्कोरर भी रहे। उन्होंने कुल 458 यानी 458 रन बनाए। अब आईपीएल टीमों की निगाहें इनके ऊपर आके टिक गई। इस लिस्ट में दूसरा नाम है शाहरुख खान का। ये खिलाड़ी पंजाब किंग्स के लिए खेल चुका है, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले। अब विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु की ओर से ऐसी शानदार पारियां खेली कि हर कोई उनका दीवाना हो चुका है। शाहरुख खान ने क्वार्टर फाइनल टू में कर्नाटक के खिलाफ 39 गेंदों में 89 यानी 39 बॉल्स में 79 रनों की तूफानी पारी खेली। इन्होंने 7 पारियों में 253 रन बनाए। स्ट्राइक रेट भी 180 से ऊपर रहा। अब माना जा रहा है कि शाहरुख खान के ऊपर भी इस बार करोड़ों की बोली लग सकती है। यही नहीं, आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी होने की भी संभावना जताई जा रही है। इसी लिस्ट में एक और नाम है हिमाचल प्रदेश के ही खिलाड़ी प्रशांत चोपड़ा का। इन्होंने भी आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन से पहले शानदार खेल दिखाया है। विजय हजारे ट्रॉफी में 8 मैचों में 456 रन बनाए, जिसमें 5 अर्धशतक भी बनाए। अर्धशतकों के मामले में टूर्नामेंट में ये सबसे आगे रहे। अब देखना होगा कि आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन जब होगा तो इन खिलाड़ियों पर कितनी गोली लगती है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन इन्होंने किया है ये तय है कि इनके ऊपर करोड़ों की बोली लगने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए एनएन स्पोर्ट्स से।